हैं और आके सोए हुए हैं यहाँ पर, तब इनको उठाते हैं। सर इधर इधर उठिए उठिए, बताओ सामान पैक कर लो वहाँ पर। पूरा काम खत्म होने के बाद देखिए हम विकास जी को और हमारे टीम को कैसे काम को अच्छे से देख रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज अपना एक काम है, एक्चुअली में दो काम है, सुबह में हमारा अपना काम है और शाम को काम है बर्थडे पार्टी का। तो अभी सुबह का 8:30 हो रहा है, हम लोग गोदाम पर जा रहे हैं और वहाँ पर सामान भिजवा कर हमारा अपना काम करवा देंगे, क्योंकि 11:30 बजे से पहले काम कम्प्लीट हो जाती है हमारा अपना का। और शाम को काम होगा बैलून का, कुछ अच्छा सा डेकोरेशन है, तो एक ही जगह काम है। तो वीडियो को बिना देरी किए चलिए करते हैं वीडियो का शुरुआत। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग गोदाम पर आ गए हैं, गाड़ी भी आ गया है, सामान निकल रहा है यहाँ पर और हम लोगों को साइड पर चलेंगे, बोला भी आ गया है। चलिए हम लोग साइड पर चलते हैं सामान लोड करके। तो फाइनली दोस्तों हम लोग अभी आ गए हैं साइड पर, महताब सामान ऊपर लेके आ गया है पूरा। और यहाँ पर हनुमान आराधना का सेटअप होगा, जो फ्लावर का काम होगा यहाँ पर आराधना का काम होगा और नीचे रूम में काम होगा बैलून का। तो पहले यहाँ का काम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम लोग शाम को 3-4 बजे के करीब में बैलून का डेकोरेशन करेंगे। और दोस्तों अभी यहाँ पर ट्रस का पहले फ्रेम किए हैं और कपड़ा ऊपर लगा लिए हैं। अभी मेहताब इस पे गार्डन लगा रहा है, अभी ऊपर में लगाया और राइट साइड में लगाया है और अभी लेफ्ट साइड में गार्डन रख रहा है, सबको अभी तार से बांधेगा। और उसके बाद अभी हम लोग इस पे छाता वाता लगाएंगे और पत्ता वाता लगा के फिनिशिंग करेंगे बढ़िया से। और ये अभी गार्डन लगा रहा है, उसके बाद छाता लगाएंगे। यहाँ रहा मेरा फूल। तो फाइनली दोस्तों यहाँ का काम लगभग हो गया है और अब इसको खड़ा किया जाएगा और उसके बाद जो फिनिशिंग होगा पत्ता वगैरह लगेगा और कुछ बीच में काम होगा डिजाइन का, वो सब भी खड़ा होने के बाद लगेगा, इसको पहले खड़ा करते हैं। तो फाइनली गाइस हो गया है यहाँ का काम कंप्लीट, अब थोड़ा सा फिनिशिंग बचा हुआ है। मतलब वहाँ पर तार लगा रहा है और टेंट वाले लोग भी अपना सामान सब ला के लगाए हैं, डाले हैं और लाइट वाइट भी लग गया है। तो लाइट भी काम अपना नहीं था, तो फिर अपना काम यहाँ फ्लावर का है और बलून का काम है, तो इसके कारण अपना काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर बस 10% काम बचा हुआ है, तो इसका काम कंप्लीट जल्दी से जल्दी करते हैं, आपको पूरा काम दिखाते हैं और उसके बाद हम गोदाम जाएंगे और शाम के समय 3-3:30 बजे करीब में आएंगे और बैलून का काम यहाँ पर होगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ का काम अब हो गया है पूरा कंप्लीट और कुछ लुक इस टाइप का आ रहा है। जो फ्लावर था वो गेंदा वाला, उसको बीच में लगाए हैं क्योंकि वहाँ पर फोटो वगैरह रहेगा और बीच में मनी प्लांट का भी कुछ प्लांट लगाए हैं। और यहाँ का काम ओके हो गया है और अभी हम जा रहे हैं गोदाम के लिए। तो दोस्तों अभी हम गोदाम पर आ गए हैं, गोदाम पर आते ही अभी मेहताब को याद आया है कि वहाँ बैलून तो लगा ही नहीं है पंडाल में, क्योंकि वहाँ 1 बजे से पूजा स्टार्ट है आराधना का और अभी 11:30 लगभग हो रहा है। तो अभी मेहताब को भेजे वहाँ पर येलो और रेड कलर का बैलून लगाने के लिए, पंडाल में बैलून लगेगा और वहाँ डेकोरेशन जो बर्थडे का बैलून होने वाला है, बर्थडे का जो डेकोरेशन होने वाला है वो अभी नहीं होगा, वो शाम को होगा, तब तक विकास जी भी आ जाएंगे। तो अभी मेहताब काम करके आता है पंडाल का बैलून का और वहाँ से आता है तो यहाँ का सामान वगैरह निकलेगा डेकोरेशन का जो बर्थडे पार्टी में जो होना है रूम में। तो तब तक आने दीजिए भी मेहताब को, विकास जी भी आ जाएंगे और तब चलते हैं वहाँ पर काम करते हैं। वीडियो में आप लोग बने रहिए लास्ट तक। तो दोस्तों अभी हम गोदाम पर आ गए हैं, घर पर गए थे खाना खाने और अभी देख रहे हैं मेहताब यहाँ बैठा हुआ है और विकास जी भी यहाँ पर आ गए हैं और आके सोए हुए हैं यहाँ पर, जब इनको उठाते हैं। बताओ उठा विकास भाई को, विकास भाई को उठाया जा रहा है, 5 बज गया है, हम लोग काम 4:30 बजे से करना था स्टार्ट। और विकास भाई उठिए, करिए ना साइड पर, देखिए सोए हुए हैं, बढ़िया है, सो है, देख लीजिए। सर इधर उठिए उठिए, बताओ सामान पैक कर लो वहाँ पर, वहाँ बैलून रखा हुआ है डालो उसमें और नया वाला मशीन डाला हुआ है पहले से, ठीक है। चलो दोस्तों चलिए विकास जी भी उठ गए हैं, अब हम लोग चलते हैं साइड पर। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं साइड पर और आते ही विकास जी अभी अपना बैनर लगा रहे हैं, बाबू का जो बर्थडे बैनर है उसको भी हम लोग अभी लगा लेते हैं। तो दोस्तों बैनर तो लग गया है और विकास जी अभी देखिए बैलून फुला रहे हैं, ब्लैक कलर वाला बैलून का बंच फुला रहे हैं और देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी फुला कर बांध रहे हैं, वो आप नोटिस कीजिए गाइस। और यहाँ पर अभी बैलून फूल गया है, कुछ बैलून फूला है अभी और अभी बैलून सब यहाँ पड़ा हुआ है। मेहताब यहाँ पर खड़ा है और ये बोर्ड तो अपना अच्छा से लग गया, कंप्लीट हो गया बैनर। देखिए गाइस गोलू भाई अपने से बैलून लगा रहे हैं, देख सकते हैं कैसे लगा रहे हैं।
तो दोस्तों अभी जो हम बंच लगा रहे थे उसी का स्टेज सेटअप अभी हो गया है। इसमें भी और काम होना है, मेहताब और विकास जी अभी सेट कर रहे हैं इसको। तो दोस्तों स्टेज का लुक कुछ ऐसा आ रहा है, कार्टून करेक्टर बैलून से लग गया है और मेहताब यहाँ पर पाइप बैलून को इकट्ठा करके बंच बना रहा है, क्योंकि बुके और पिलर बनाना है उसमें पाइप बैलून का यूज़ होना है। तो फाइनली गाइस पूरा काम हो गया कंप्लीट और अभी विकास जी सब कुछ सेट कर रहे हैं पिलर वगैरह को, और केक कटने वाला जो टेबल है उसके आसपास बैलून का जो सेटअप है वो सबको सेट कर रहे हैं अच्छे से। और अभी मेहताब भी सामान सब देख के कर रहे हैं और कुछ लड़का लोग और आया है जो हेल्प के लिए, तो वो सब भी अभी साथ में है और सबको सेट कर रहे हैं। और हैप्पी बर्थडे वाला जो लाइट है LED वाला उसको भी लगा दिए हैं हम लोग, और काम कुछ ऐसा आ रहा है। आप लोगों को काम कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना और सब्सक्राइब करना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अभी काम पूरा ओके हो गया है, इसका कुछ से शॉर्ट्स है जिसको आप लोग एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों अभी हम लोग साइड से निकल गए हैं और अभी जा रहे हैं हम लोग गोदाम पर। तो फाइनली गाइस वहां का काम हो गया है ख़त्म। आप वीडियो में देख ही सकते हैं काम कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहां का जो लाइट वाला है पार लाइट नहीं दिया है स्टेज पर, इसके कारण मेहताब अभी गया है और वहां पर लाइट लगा के अभी आया है। पूरा काम ओवरऑल सब कुछ अच्छे से हो गया है और हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो का पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि काम आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।